नमस्ते जी, मैं मंजीत, पलक की माँ। पता है मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी टेंशन एक ही है कि मेरी बेटी पलक की शादी हो ही नहीं रही है। अब उसके पास टाइम ही नहीं है लड़के देखने का। वो अपने करियर को लेके इतनी फोकस्ड है कि मम्मा मेरे पास टाइम नहीं है, बताओ। अब देखो, मेरा अपना एक मैरिज ब्यूरो है जिसको मैं खुद चलाती हूँ, पर मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। कैसा लगता है सुनने में? अजीब ना? सारी दुनिया की बेटियों की शादियां मैं कराती हूँ, पर मेरी बेटी को कोई लड़का ही पसंद नहीं आता। ऐसे कैसे हो सकता है? इसकी मेरे को ना बड़ी टेंशन रहती है। वैसे लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं मेरे बारे में कि भैया मैं मैरिज ब्यूरो चलाने के बहाने से अमीर अमीर लड़कों को फांसने की कोशिश करती हूँ। चलो ठीक है, मैंने माना कि मैं अमीर लड़के ढूंढती हूँ लड़कियों के, पर क्यों? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब किसी लड़की की शादी हो तो अपने से ऊंचे घर में हो, बड़े घर में हो, जिसमें वो खुश रहे, हैं? वैसे भी जब मैं किसी लड़की की शादी करवाती हूँ ना, तो लड़के की पूरी इंफॉर्मेशन निकालती हूँ, उसकी एक एक मूवमेंट पे मेरी नजर रहती है, उसका क्या कहते हैं वो इंस्टाग्राम का पेज तक चेक करती हूँ, तब शादी करवाती हूँ। अब इसमें मेरा भी तो मुनाफा होता है ना, यही तो मेरा काम है, ऐसे से तो मेरा घर चलता है। और वैसे भी कहते हैं कि जब आप किसी लड़की की किसी अच्छे घर में शादी करवा दो तो आपकी अपनी बेटी को भी दुआएं मिलती हैं, है ना? तो इसमें क्या गलत है?